बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फैसलाबाद पॉइंट और मैं हूं राना एहसान अली। मैं तहसील जड़ावाला में मौजूद हूं। मुबाइशी मंडी यहां पे लगी है, आज आखिरी रोज़ है, ख़रीदार भी हैं और बड़े खूबसूरत बकरे और बैल भी मौजूद हैं, लेकिन कीमतें सुनकर ख़रीदारों के होश उड़ रहे हैं। यहाँ पर फलक शेर और यकूब नामी दो बकरे हैं जिनकी कीमत 4 लाख रुपये है और ख़ूबसूरती में भी वो अपनी मिसाल आप हैं। उनके मालिक मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे क्या खिलाते रहे हैं यकूब को और फलक शेर को। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, अल्लाह का करम बेटा, ठीक खवाया यकूब नु फलक शेर नु की खवाया? इन बेटा खाल दाना चोकर दूध। अच्छा, फलक शेर वड्डा के यकूब? यकूब वड्डा, फलक शेर छोटा। ए ना तुसी बड़े यूनिक रखे ने, की सोच के रखे? बकरी पैदा किते सी ते ना इना दा पाल दित्ता सी ते आवाज देई सी कोल आ जांदे सी। अच्छा, यकूब भी बहुत फरमा बरदार है के फलक शेर? नहीं, दोवें ही अक लाल ने, दोवें सही ने, फरमादार ने। अच्छा, वफादार? वफादार। अच्छा, सियाने? अच्छा, सियाने ने। किनिया उम्र हो गया दोवां दी? इना दी उम्र हो गई 1.5 साल। 1.5 साल ते की खांदे रहे ने आ चोकर खाल तो अलावा, दूध तो अलावा? बेटा पत्ते खान पमने आए दे, दरेक दे, तूत दे, अच्छे अच्छे खाने खोने आए। पैसे किन्ने मांगदे इना दे? जोड़ी दा लग 2-4 लाख। जोड़ी दा 4 लाख रुपया? ते हुण तक कोई पैसे लगे भी तुहानू इना? खरीदार आया बेटा, असी हुण ही आए हूं लैके, गारी बैठे रे सुकून नाल, बारिश दी वजह तो नहीं हो आए, आ हुण आए हूं मंडी। अच्छा, अजे तक कोई खरीदार नहीं आया? नहीं आया अभी तक, कोई ख़रीदार नहीं आया। फलक शेर और यकूब अपनी मिसाल आप हैं, बहुत सारी मुनफरद चीज़ें खाते रहे हैं और फोटेज में आप देख सकते हैं कि बड़े खूबसूरत ये बकरे हैं। यहाँ पर ख़रीदार भी हैं, उनसे भी पूछेंगे कि क्या वो इन फलक शेर या यकूब में से किसी को ख़रीद पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी भाई, ठीक ठाक जी। किन्नू खरीदना, फलक शेर नू के यकूब नू? यकूब नू भाई खरीदना। किन्ने पैसे लाए ने भाई? भाई उन्हें 1,20,000 रुपया लाया है। अच्छा, वो 2 लाख? वो भाई उन्हें 2 लाख रुपया मांगते ने। अच्छा, तो भाई उन्हें कहते असी तो घट कोई 1 रुपया नहीं देना है, असी दुध पिया मझ 4 लाख की लै के इन्होंने वास्ते रखी हुई असी। अच्छा, तो मैं कहा चाचा जी मझ तो तुम ले ही है, पर बकरियां दुध थोड़ा पिया आ भी पीता आंदा से ज्यादा फट जाने से। ये बंदा जुगती भी है, शुगली है और चाचा जी को जुगते मार रहा है कि इसके लिए एक भैंस लेके रखी हुई है इसको दूध पिलाने के लिए। तो ये कुर्बानी के लिए ले रहे हैं या फिर आप सेल करना है आपने मंडी? हमने सेल करना है, हम बाबा जी से लेके मुनाफा कमाएंगे यहाँ पे सेल करके, किसी और ग्राहक को आप सेल करें? हाँ जी, हमसे एक फैसलाबाद की पार्टी है, हम उसको देगा। बाबा बोला, बाबा कहता ये 4 लाख से कम नहीं देगा हम। तो मैंने बाबा को बोला जी इसको हम जो देगा ठीक है, नहीं तो कुर्बानी के बाद नहीं बिकेगा। अच्छा, कुर्बानी के बाद नहीं बिकेगा। अभी ये ऑफर है 1,20,000, अगर ये दे दें चाचा जी तो ठीक है, फलक शेर को बेच दें या यकूब को बेच दें, बात एक ही है चाचा जी। 1,20,000 रुपया बेटा जी नहीं मेरी समझ। अच्छा, नहीं समझ ना, विकने नहीं तो मुड़ के ईद गुजर जाएगी, फिर तुम कोटियां के भाव बेचना। अल्लाह मालिक, अगला साल तिकर पाल लवाना मैं फिर। हाँ जी, अगले साल पे बेच लेंगे अगर इनकी मुनासिब कीमत ना मिली। फिलहाल यकूब और फलक शेर के चर्चे हैं जड़ावाला की मंडी में, लेकिन इनको अभी तक कोई ख़रीदार नहीं मिला। इसी के साथ मुझे फ़िलहाल के लिए इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।